नमस्कार बच्चों, आपका एसएससी जीएस पॉइंट में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ये नाइन्थ क्लास का चैप्टर है, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति पार्ट फर्स्ट। फ्रांसीसी क्रांति ने एक तरह से एक सूत्रपात कर दिया था इस बात का कि भाई जो निरंकुश व्यवस्था है, जो राजशाही है, उसका अंत होना चाहिए, वो एक तरह से सही शासन नहीं है। अब इसकी चर्चा पूरे यूरोप में फैल गई, भारत में भी इसकी चर्चा हुई। भारत में डेरोजिए और राजा राममोहन राय ने इसके बारे में चर्चा की और उपनिवेशों में कुछ घटनाएं घटी, उन्होंने इस बात को नई धार दी और इस बात को आगे बढ़ाया। लेकिन यूरोप में सभी लोग ऐसा नहीं चाहते थे, अलग अलग राय थी लोगों की, क्योंकि बहुत सारे लोग बदलाव को तैयार तो थे लेकिन चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। इसके लिए अलग अलग प्रकार के खेमे थे। अब आज हम उन खेमों की बात करें तो एक थे इसमें उदारवादी। उदारवादी वो लोग थे जो सभी धर्मों के सम्मान और जगह चाहते थे, सभी धर्मों का सम्मान चाहते थे, क्योंकि यूरोप में एक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वे सरकार के सक्षम व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। वे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा चाहते थे। वे कहते थे कि अधिकारों की का हनन करने और उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, यानी अधिकारों के पक्ष में वो बातें करते थे। प्रतिनिधित्व की भी बातें करते थे। प्रतिनिधित्व का मतलब है कि जनता अपने किसी प्रतिनिधि को चुने और वो प्रतिनिधि मिलकर सरकार बनाए, यानी वो प्रतिनिधित्व पर आधारित ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार कार्य करे। न्यायपालिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनके द्वारा कार्य हो। वो संपत्ति धारकों को ही मताधिकार देने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि जो जिनके पास संपत्ति है उनको ही मताधिकार प्राप्त होना चाहिए, सभी लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। एक प्रश्न आता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब 18 वर्ष से ऊपर उम्र वाले व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार। अब भाई बात करें दूसरा, रेडिकल समूह। रेडिकल समूह बहुमत की सरकार चाहते थे। वे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, जो देश की आबादी का बहुमत जो कहे वो सरकार बने, और महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में थे। कुलीनों के अधिकार के खिलाफ थे। वे बड़े जमींदारों, संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी विशेष अधिकार के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन पूंजी का जो संकेंद्रण होता है, संकेंद्रण यानी पूंजी किसी एक ही अमीर के हाथ में रहती है, उसका वो विरोध करते थे। अगले विचारक थे रूढ़िवादी। रूढ़िवादी रेडिकल और ये लिबरल दोनों के ही खिलाफ थे, दोनों के खिलाफ थे। अतीत का ये सम्मान करते थे। रूढ़ी का मतलब जो परंपराएं हैं, जो नीतियां हैं, पुरानी प्राचीन धारणाएं हैं, इन सभी धारणाओं को बचाए रखना चाहते थे। 18वीं सदी में वे बड़े कठोर थे। वे चाहते थे कि हमारी जो परंपराएं हैं उनके साथ खिलवाड़ ना हो, बदलाव ना हो। लेकिन 19वीं सदी में वे थोड़े नरम पड़ गए। 19वीं सदी तक आते आते वे मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वे चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, यानी जो हमारा इतिहास है उसका सम्मान किया जाए, अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए,
जबकि बदलाव की प्रक्रिया क्या हो, धीमी हो, बदलाव धीमा हो, यानी जो बदलाव करें हम वो धीमा करें, धीरे धीरे करें, ना कि पूरी तरह प्राचीन परंपराओं को नष्ट कर दे। इस प्रकार इन तीनों में टकराव और चर्चाएं होने लगी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन केंद्रित इन विचारों के बीच टकराव हुआ और विभिन्न राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट करने लगे। अब हम बात करें औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। तो इस समय ये बदलाव का दौर था, दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था। ये ऐसा समय था जब नए नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो रहे थे, विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति लगभग संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमी और बच्चों सबको कारखाने में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, मजदूरी बहुत कम थी, काम के घंटे ज़्यादा थे, मजदूरी बहुत कम थी। मांग घटने पर बेरोजगारी बढ़ती थी, क्योंकि जब मांग घटेगी तो उत्पादन कम होगा तो लोग बेरोजगार होंगे। अब आवास और सफाई की समस्या शुरू हो गई, आवास यानी रहने की और सफाई यानी साफ सफाई की समस्या शुरू हो गई। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे, समस्या समाधान का उन्होंने प्रयास किया। रेडिकल और उदारवादी चाहते थे कि इन व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिले और इन्हें पर्याप्त रोजगार मिले, ताकि इनकी तरक्की हो और इनके पास पूंजी हो, यानी ये इनको एक तरह से लुभाना भी चाहते थे और इनके साथ थोड़ी तरफदारी भी करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इन सभी समूह और पार्टी के साथ ये लोग जुड़ जाए, अतः सभी इन समूह और पार्टी के साथ ये लोग जुड़ गए जब इनकी बातें इन्होंने उठाना शुरू की, रेडिकल और उदारवादियों। यूरोप में 1815 में बनी सरकार से मुक्ति चाहते थे लोग, यूरोप में 1815 में सरकार बनी उससे लोग मुक्ति चाहते थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में क्रांतिकारियों की एक तरह से बाढ़ सी आने लग गई। 1815 में इटली के गिसेप्पे मेजिनी, जो बहुत बड़ा क्रांतिकारी था, उसने राजा के खिलाफ साजिश रची और इस प्रकार इन यूरोप के हिस्सों में, फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस में एक तरह से सामाजिक परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। अगला जो सेकंड पार्ट है उसमें हम आगे की बातें पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एक छोटी सी बात, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और ज्ञान भूला क्यों, अक्सर हमारे सामने आता है, हम जो ही पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं कई बार। तो इन चारों का एक ही आंसर है, पलटा नहीं, घोड़े को हमने पलटा नहीं, मैंने घोड़े को दूसरी दिशा में नहीं चलाया तो अड़ गया, पान को हमने पलटा नहीं तो सड़ गया, रोटी को पलटी नहीं तो जल गई। इसी प्रकार ज्ञान को यदि पलटेंगे नहीं, यानी रिवीजन नहीं करेंगे, यानी जो भी किताबें हैं, जो भी हमारे पास ज्ञान है, उनको दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे। इसलिए हमेशा जो भी पढ़े ये ना समझे मेरे को पक्का याद है, उसको हमेशा रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।